हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं अमन और सुबह हो चुकी है। आज है दिन जुमे का, तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। तो आज हम जाएंगे जुमे की नमाज पढ़ने। आज आप लोग को तो पता ही होगा कि बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। मौसम भी आप देख सकते हैं कितना सुहाना हो रहा है, बादल ही बादल हैं। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी हुई है, तो इधर हम नाश्ता वगैरह करके और होंगे रेडी जुमे के लिए। कुर्ता पैजामा पहनेंगे, फिर जाएंगे जुमे की नमाज़ अदा करने, मांगेंगे दुआ वगैरह। नमाज से आएंगे, फिर हम खाएंगे दोपहर का खाना, फिर दिखाएंगे अपने डेली रूटीन में दिन में घर में मैं क्या करता हूँ इस समय, क्योंकि घर में चल रहा है काम वगैरह। तो मैं इधर दुकान तो अभी जा नहीं पा रहा हूँ, मैं घर में बिजी हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लाना होता है, कभी ये ख़त्म कभी वो ख़त्म। आप लोग को पता ही कि घर जब बनवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मिनट मिनट पे लानी पड़ती हैं, साथ में लगना पड़ता है तभी हो पाती हैं। तो चलिए अब हम पहले नहा के हो जाते हैं रेडी, फिर आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो फाइनली हम हो गए नहा धो के रेडी। ये मैंने पहन लिया है कुर्ता पैजामा और अब हम जाएंगे नमाज, ले लिए साथ में टोपी। तो आप सबके लिए दुआ करूँगा, अब हम मिलेंगे आपको नमाज के बाद। अगर मैं मस्जिद में मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा मस्जिद में हम लोगों ने कैसे नमाज पढ़ी, कितनी भीड़ होती है, क्या क्या। तो चलिए आपको मिलते हैं अभी नमाज में। रात के बज गए हैं 2, ओ सॉरी तो अब हो चुकी है रात और अचानक से आ गए गोलू भैया हमारे घर पे, ये बैठे हैं। हेलो हेलो। और हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, ये है हमारी कैपुचिनो वाली कॉफ़ी। कैसी बनी है बताओ? एक नंबर। क्या बोलना है? बनाई है शिमेला ने, जो बहुत शानदार है। और ये सब कौन बोलेगा? लाइक करो फॉलो प्लीज लाइक एंड फॉलो। हाँ, शिमेला ने बोल दिया है प्लीज लाइक एंड फॉलो। चलो आप लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं, एक बार मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ कॉफ़ी कैसी बनी है। ये रही हमारी कॉफ़ी, ये कैपेचिनो हम लोग ने घर में बनाई है। जो मार्केट में आप लोगे तो ये 500 की मिलेगी, घर में ये सिर्फ 20 रुपये में तैयार हो जाती है। सॉरी, 5 ही रुपये में बन जाती है। 1 रुपये का दूध, 2 रुपये की कॉफ़ी और 8 रुपये की चाय। सच में कॉफ़ी में मज़ा आ गया। अगर आप लोग ये कॉफ़ी की रेसिपी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कॉफ़ी लिख देना, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगा आपसे।